प्रिय श्रोताओं, पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। द्रौपदी का जन्म उस हवन कुंड से हुआ था जब राजा द्रुपद अपने दुश्मन कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति का यज्ञ कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पांचों पांडवों के साथ विवाह के पश्चात द्रौपदी ने सुहागरात कैसे मनाई होगी? तो श्रोताओं, चलिए आज हम आपको इस वीडियो में द्रौपदी की सुहागरात के बारे में बताते हैं। नमस्कार, द डिवाइन टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। आप लोग ये भी जानते ही होंगे कि राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था, जिसमें ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने स्वयंवर जीतकर द्रौपदी से विवाह किया था। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, उस समय पांचों पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और जीविका के लिए भिक्षा मांगा करते थे। पांचों पांडव जो भी भिक्षा मांगकर लाते थे, उसे अपनी मां कुंती के सामने रख देते। फिर उस भिक्षा को मां कुंती पांचों में बांट दिया करती थी। इसी प्रकार सभी पांडव अपने साथ द्रौपदी को लेकर अपने घर आए और देवी कुंती से कहा, देखो माँ, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। परंतु कुंती ने उनकी तरफ देखे बिना ही ये कह दिया कि पांचों भाई आपस में बांट लो। माँ के मुंह से निकली हर बात को आदेश की तरह पालन करना पांडव अपना धर्म समझते थे। इस कारण अपनी माँ के मुख से निकले शब्दों को लेकर पांचों भाई चिंतित हो गए। देवी कुंती ने भी जब द्रौपदी को देखा तो वह भी बड़ी विचलित हो गई कि उसने ये क्या कह दिया। इधर जब इस घटना का पता राजा द्रुपद को लगा तो वो भी परेशान हो गए। उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के पांच पति कैसे हो सकते हैं। तब महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को बताया कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शंकर ने ऐसा ही वरदान दिया था और भगवान शिव की बात अन्यथा कैसे हो सकती है। और इस तरह महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी को पांचों पांडवों के साथ विवाह कराने को राजी हो गए। इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों में ज्येष्ठ युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ ही कक्ष में अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ और उस रात द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह हुआ और इन तीनों के साथ भी द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। जब भगवान शिव ने द्रौपदी को पांच पति प्राप्त होने का वरदान दिया था, तब उन्होंने द्रौपदी को साथ में ये वरदान भी दिया था कि वह प्रतिदिन कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी। इसलिए द्रौपदी अपने पांचों पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने ये सुझाव रखा कि प्रतिवर्ष द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और जिस समय वह अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होगी, तब उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। तो श्रोताओं, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा YouTube चैनल द डिवाइन टेल्स। अब हमें इजाजत दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।